नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme GT Master Edition 5G versus Samsung Galaxy A22 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो GT Master Edition में 6.27 इंच जबकि Galaxy A22 में 6.27 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो GT Master Edition में 2.89 इंच जबकि Galaxy A22 में 2.9 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो GT Master Edition में 0.31 इंच जबकि Galaxy A22 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि GT Master Edition से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो GT Master Edition में 174 ग्राम जबकि Galaxy A22 में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि GT Master Edition से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो GT Master Edition में 6.43 इंचेस जबकि Galaxy A22 में 6.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन GT Master Edition में 1080x2400 और Galaxy A22 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो GT Master Edition में 85.31% जबकि Galaxy A22 में 84.35% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो GT Master Edition में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Galaxy A22 में 274 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो GT Master Edition में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A22 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो GT Master Edition में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A22 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो GT Master Edition में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Galaxy A22 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो GT Master Edition में Adreno 642L जबकि Galaxy A22 में Mali-G 52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो GT Master Edition में Qualcomm Snapdragon 778G और Galaxy A22 में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें RAM की तो GT Master Edition में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो GT Master Edition में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A22 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो GT Master Edition में नहीं है जबकि Galaxy A22 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी GT Master Edition में 4300 mAh जबकि Galaxy A22 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो GT Master Edition में 3 कलर्स, जबकि Galaxy A22 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो GT Master Edition में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹25,999, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹27,480 में मिलता है। और बात करें Galaxy A22 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹18,499 में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme GT Master Edition 5G में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Samsung Galaxy A22 की तो उसमें 6 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में GT Master Edition आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT 5G है जो कि ₹37,999 में मिलता है। दूसरा Oppo Reno 6 है जो कि ₹31,890 में मिलता है। तीसरा Xiaomi Mi 11X है जो कि ₹29,890 में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 Max है जो कि ₹24,999 में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।